जेपी मूवमेंट से जो है फिर आगे बढ़े, फिर ऐसे नाटक समझने की कोशिश करना शुरू किए और धीरे धीरे वहां से निकल के फिर हम इप्टा में आए। वहां इप्टा में आने के पीछे एक रीजन ये था कि जब 77 में इलेक्शन जीत गए और उसके बाद जब हम वहां, ऐसे तो मोहल्ला वही था, एक शहर वही था, तो पता चला कि अरे उधर ऊपर बहस हो रहा है, बड़ा भीड़ लगा हुआ, बहस हो रहा है कि कौन जो है प्रधानमंत्री बनेगा। बोले आए, ये बहस कौन कर रहा है? बोले अरे वो मोरारजी देसाई और जगजीवन राम के बीच चल रहा है, जेपी जी जो है चुपचाप बैठे हुए हैं। हमको मतलब एक लड़का जो है इतने दिन से लगा हुआ है तो हमको जो है बड़ा अजीब सा लगा, और एक जैसे डिसिल्यूजनमेंट होता है ना, वैसा कुछ हुआ कि यार ये क्या है, ये लड़ रहे हैं ये, क्योंकि हम ईमानदारी से सोच रहे थे। तो बड़ा ही अजीब सा महसूस करते रहे। तो किसी ने जो है, कोई सी ने कहा कि अरे एक तो किताब है, मार्क्स नाम है उनका, वो लिखे हैं, वो जरा तुम पढ़ो। और किताब पढ़े, हमको कुछ समझ में नहीं आया, मोटा मोटी इतना समझ में आया कि ये आदमी ये कह रहा है कि आदमी को आदमी की तरह देखो। और ये बात मेरे दिमाग में धंस गई और 78 से मैं आदमी को आदमी की तरह देखने लगा। और उसके बाद धीरे धीरे जो है इप्टा में गया और मैं अपने आप को कॉमरेड मानता हूं, लेकिन जिस पार्टी में लोग कॉमरेड हुआ करते हैं उस पार्टी का सख्त विरोधी हूं, क्योंकि मेरे अपने होता है कि आपने ये क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों नहीं किया, मतलब मैं तो वैसे जीने लगा और आप मेरा प्लेटफॉर्म छीन के चले गए, ग्रास रूट लेवल गायब हो गया। कैसे गायब हो गया, आप क्या कर रहे थे? तो मैं आज भी कॉमरेड हूं, उतना ही करता हूं जितना जीवन में आवश्यक है। आवश्यकता अनुसार ही आप जिए, आवश्यकता से अधिक न जिए। बांधने के पहले आप सोच लें कि बांधने से इकोनॉमिक्स बदल जाती है, तो आपका यहां बांधना उचित है या नहीं उचित है इस पर विचार कर लीजिए। तो ऐसे जीवन जीते हैं। तो इप्टा में आने के बाद परवेज अख्तर, जावेद अख्तर, तनवीर अख्तर, वो सारा जो है अद्भुत समय था, वो बहुत कमाल का समय था और बहुत मजा लिया मैंने। सीनियर तो हो ही गए थे, तो मेरे और जावेद के नाम पे स्थिति ये आई कि जहां जब शुरुआत हुआ था तो लोग आते नहीं थे नाटक देखने, और हम लोगों के यानी जावेद और विनीत के नाटकों में हाउसफुल होता था, लोग वापस लौटते थे और लोग कहते थे यार अब तो तेरे नाटक में ब्लैक किया जा सकता है। तो हमने वो दिन भी देखे। बाद में वो जब 14 साल हो गए थिएटर करते हुए, तो दिमाग में ये आया, बातचीत हुई कि भाई हमने कहा कि इतना दिन प्रैक्टिकल किए हैं तो थोड़ा थ्योरी जो है वो समझ लेना चाहिए। तो थ्योरी समझने के लिए एनएसडी जाना था, तो जीबीएम की मीटिंग हुई, मुझे 3 साल के लिए जो है कहा गया इप्टा में से थोड़ा कि मैं चाहता हूँ कि इस चीज को आप विस्तार से बताएं, बहुत सारे दर्शकों को ये शायद समझ में ना आए कि इप्टा और जीबीएम, मतलब हम लोगों के लिए जो ये एक हाँ सामान्य शब्द है, जेएनयू में हर चीज पे जीबीएम होती थी, स्कूल में, हाँ सेंटर में, जनरल बॉडी मीटिंग। जी तो इप्टा, दरअसल इप्टा तो सभी लोग अब जानते हैं देश में। इप्टा जो है वो एक ऐसी संस्था है जिसपे कि ये ठप्पा लगा है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी का है, जबकि सच्चाई ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है इप्टा को कोई आर्थिक सहयोग देता नहीं है कि भाई वो सुचारू रूप से चलता रहे। वो सोच है उनकी, वामपंथी सोच है इप्टा की, तो वो उस तरह का नाटक करते हैं, नाटकों को लेके बड़ा ही क्रिटिकल रहते हैं, लॉजिक होता है, भावना जो है उसके पीछे भी वजहें होती हैं, सामाजिक कारण अगर उसका सही नहीं है तो उसको अंडरलाइन करते हैं। तो इप्टा ऐसे नाटक किया करती थी और बहुत बड़े बड़े नाटक करती थी।
कैफी साहब ने आगरा का जब 84 का कन्वेंशन हुआ था तो कैफी साहब ने कहा था कि अगर आपको ये समझना है कि इप्टा कैसे चलती है और इप्टा कैसी होना चाहिए तो पटना इप्टा में आके आप जाके सीखें, ये कैफी साहब ने कहा। तो इप्टा जो है वो वहां नाटक करने के लिए जो है हम लोग नहीं जाते थे,